सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। सवाल, अगला सवाल जो है वो लखनऊ से लक्ष्मी जी का है, और इनका कहना है कि इनके जो पति हैं वो कई सालों से शराब की लत में जो है वो डूबे हुए, और अब ये शराब और भी ज़्यादा पीने लगे हैं। ऐसे में ये कह रही कि जो कार्यक्रम है वो देखती आ रही, इनकी जो सहेली है उन्होंने इसके कार्यक्रम के बारे में बताया था, और अब ये आपसे चाहती हैं कि आप इसका जो उपाय है वो बताएं और किस तरीके से जो है ये छोड़ देंगे शराब। लक्ष्मी जी प्रणाम, नमस्कार। अच्छी बात है, आपकी जो सहेली हैं उन्होंने हमारे बारे में आपको बताया, और मैं आपको बताऊं कि जो शराब छुड़ाने की बात हम करते हैं, अब जैसे आपके पति शराब पीते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो शराब पीते हैं, लेकिन शराब को छुड़वाना तब बहुत ज़रूरी हो जाता है जब शराब इंसान को पीने लगती है। इंसान को कब पीने लगती है? जब उसके ब्रेन के हार्मोन्स जो हैं वो कमज़ोर होने लगते हैं। जब हार्मोन्स कमज़ोर होते हैं, मैं आपको समझाता हूँ, एक छोटी सी बात समझने की कोशिश करना, क्योंकि आज सवाल यही आ रहे हैं मेरे पास कि जो लोग मान लो शराब पीते हैं उनके दिमाग के जो सेल होते हैं एकदम गुब्बारे की तरह फूलते हैं, टाइट होते हैं, और उसको लगता है दुनिया सारी बेवकूफ़ और मैं ही अकेला समझदार हूँ। ऐसा होता है क्यों? अब जैसे गुब्बारा ले लो आप एग्जांपल के तौर पे, एक गुब्बारे में अपन गैस की हवा भरवाते हैं, वो छत को लग जाता है, धीरे धीरे शाम तक वो पिल्ला पिल्ला सा होकर नीचे गिर जाता है। तो ऐसे ही शराबी आदमी का होता है कि वो जब शराब पीता है तो एकदम फिट, जब सुबह उठता है तो उसका दिमाग बिल्कुल गुब्बारे की तरह, उसके सेल जो हैं वो डैमेज हो चुके होते हैं, कमज़ोर हो चुके होते हैं, तो सुबह सुबह वो कहता है आज नहीं पीऊँगा, कुछ हो जाए। आपके पति भी कहते होंगे ज़रूर कि आज नहीं पीऊँगा, लेकिन जैसे ही वो शाम होती है, सुबह की चाय पी, खाना खाया, थोड़ा दही पिया, कुछ और लिया, शरीर में थोड़े से वो सेल एक्टिव होते हैं, तो 4-5 बजे वो कहते हैं चल एक पैग लगाते हैं, आज 5-6 पैग लगाते हैं रोज़, आज एक ही लगा लेते हैं बाकी नहीं लगाएंगे। तो वो कहता है चलो ठीक है, अपनी दिल से बात की थी, तो एक पैग फिर ले लेता है, फिर दूसरा ले लेता है, फिर तीसरा ले लेता है, फिर वही बात हो जाती है। ये सिलसिला रोज़ाना चलता है, तो इसको छुड़वाना बहुत अनिवार्य, बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि वो कल को ऐसा ना हो कि ब्रेन स्ट्रोक हो गया, कभी हार्ट अटैक हो गया। क्यों हम देखते नहीं है कई बार कि रात को अच्छे भले सोए थे, सुबह पता ही नहीं लगा क्या हो गया। तो इन चीज़ों, इन स्थितियों से बचने के लिए अपना कदम बढ़ाइए, अपने भाई के साथ हाथ मिलाइए। मैं आपको ये बात का विश्वास दे देता हूँ कि प्योर हर्बल आयुर्वेदिक मेडिसिन, और इसको देने से साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, गुड इफ़ेक्ट इतना होगा कि 3 से 6 महीने का वक्त लगेगा आपको, आपके पति शराब छोड़ देंगे और आपके साथ घूमेंगे फिरेंगे, इंजॉय करेंगे। ये चीज़ें मैं अक्सर सुनता हूँ कि जो लोग बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं जब छूट जाती है फिर वो अपने परिवार के साथ समय स्पेंड करना चाहते हैं, दिल से समय स्पेंड करना चाहते हैं, क्योंकि वो सुख उसको कभी मिला ही नहीं होता।